हेलो दोस्तों, मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में नेटिंग डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ। एक व्यूअर ने मुझसे इस डिज़ाइन के बारे में पूछा था कि ये डिज़ाइन कैसे बन सकता है। वैसे इसे बनाने के तो बहुत से टेक्निक हैं, पर यहाँ पर मैं एक टेक्निक आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं टेक्निक बताने पर। अब ये मॉड्यूल के थ्रू बनेगा डिजाइन, तो हम मॉड्यूल को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम तो इस निटिंग स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये निटिंग स्ट्रक्चर है हाफ कार्डिगन का। हाफ कार्डिगन में इस निटिंग स्ट्रक्चर में बैक पे टक हो रहा है और ये बैक नेट के साथ बैक पे टक हुआ। तो सबसे पहले आपने जो बनानी है वो एक पूरा फैब्रिक बना लोगे जिस पे फ्रंट नेट तो कंटिन्यूसली चलेगा। एक नेडल ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर बैक टक और बैक नेट आएगी। ये एक्चुअल में हाफ कार्डिगन है, क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका डिजाइन में हमें केबल कैसे प्लट। अब यहाँ पर केबल हमें जो बनानी है वो 1 2 3 4, इन चार को हमने, ये जो चार फ्रंट नेट है 1 2 3 4, इन फ्रंट नेट को यहाँ पे लाना है और इनको बैक से होते हुए यहाँ पे लाना है। अभी मैं एक साइड का ही बता रहा हूँ, जस्ट उसका ऑपोजिट कर दोगे तो सेकंड साइड का भी बन जाएगा। पर चार नेट्स को एक साथ उठा के, मतलब चार प्लस बैक नेट हो गए तो 8 हो गए। 8 की रैकिंग चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। उससे धागा टूट जाएगा और प्रॉब्लम्स आएगी। तो जब हम बड़े केबल्स में जाते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं। तो मॉड्यूल बनाना तो पहले मैंने सिखा चुका हूँ आप लोगों को, आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस ये आ गया है बीच में, क्योंकि यूजर बार बार एक ही चीज को पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ उनको, ठीक है। तो जिन लोगों को अगर अभी नहीं समझ में आता है वो इसका ज्यादा टेंशन ना ले, जब धीरे धीरे बेसिक क्लियर हो जाएगी फिर हम एडवांस में चलेंगे तो ज्यादा अच्छे ढंग से आप उसको समझ सकते हो। पर फिर भी मैं इसको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, पर मैं मॉड्यूल के बारे में अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मॉड्यूल वाले वीडियो देखोगे तो आप उसमें से थोड़ी चीज़ें पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ये मॉड्यूल का कलर हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम इसको टक वाला जो पोर्शन है वो लगाएं। तो टक वाला पोर्शन कहने का मतलब है ये वाली जो लाइन है, यहां से हम मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको लगाया और उसके बाद हमने उसके ऊपर नेट वाले लगाई। अब नेट वाले में मैंने क्या किया, इनको फ्रंट बैक नेट कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बैक पे नेट कर रहा है। अब फ्रंट पे इसको यहाँ पर बैक पे नेट करना चाहिए जैसे ये वाला कर रहा है, ठीक है। पर मैंने उसको एडिशनल नेट करवा दिया फ्रंट पे और उसके बाद यहाँ पर इसको फॉल कर दिया। अब यहाँ पर ये फ्रंट फॉल है। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर ये भी लगा सकते हो, फ्रंट फॉल बैक प्रेसिंग। अगर आपके इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो बैक प्रेसिंग मतलब कि पीछे वाला जो लूप है उसको हल्का सा प्रेस कर देगा, जिससे है ये फॉल मतलब कि गिरेगा जब तो वो पूरी अच्छी तरीके से खुल जाएगा। तो आप 250 नंबर भी यहाँ पर लगा सकते हो अगर आपका यहाँ से सही नहीं बन रहा हो तो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस लूप को लूज कर दिया, इसे लूज किया, इसे लूज किया, इसे लूज किया, तो ये अकेला लूप लूज नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन दोनों को भी, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन दोनों को। तो यहां से लेके यहां तक सारे लूप लूज हो जाएंगे, क्योंकि इसको मेरे को चार घर या चार पिच की रैकिंग देनी है। अगर मैंने ऐसे ज्यादा लूज नहीं किया तो मैं इसे खींच नहीं पाऊंगा।
पर अगर आपका धागा अच्छा है, इलास्टिक है उसके अंदर, तो आप कोशिश करो इसको ना दो, ठीक है। यहाँ पर फिर आप हटा दोगे, क्योंकि देखो केवल ये डिजाइन्स सॉफ्टवेयर में बन जाने से नहीं बनता है, ठीक है। इसको आपको धागे के हिसाब से भी चेंज करनी होगी, गेज के हिसाब से भी बहुत सी चीज़ें चेंज करनी होगी। तो आप अगर इसको सही ढंग से समझोगे तो ही आप इसका सही पल्ला निकाल सकते हो या सही सॉच निकाल सकते हो। तो आप ये समझ गए कि क्योंकि ये वाली चीज हमने फ्रंट पे रखनी है, ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर वाले लूप को हम अगर लूज ना करें तो हमारा फैब्रिक देखने में अच्छा लगेगा। पर यहाँ पर मैंने ये किया हुआ है ताकि ये सेफ तरीके से बन जाए, किसी भी धागे में बन जाए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर भी फ्रंट नेट करके उसे गिराया हुआ है। बैक को नहीं गिराया, बैक अभी बैक नेट ही है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल लूप बड़े हो जाएंगे, तो आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैंने इसको फ्रंट पे ट्रांसफर किया है, क्योंकि यहाँ पर हम केबल चला रहे हैं, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट केबल चला दिया। आप इसको इंडिविजुअली भी चला सकते हो, वो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ, पर काम सेम ही होगा। तो आप ऐसे चला दोगे तो भी वो सही वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमने इसको फ्रंट पे ले आया, ये दोनों ऑलरेडी फ्रंट पे थे पहले, ये बैक पे था हमारा नेट। तो इसको फॉल करवाने के बाद हमने इसको फ्रंट पे ले आया। अब मेरे ये चारों नेट फ्रंट में है। इन चारों नेट को फ्रंट में लाने का मेन मकसद ये था, क्योंकि देखो फॉल करने के बाद ना ये यहाँ पे फ्रंट पे नहीं आता, ऑटोमेटिक ट्रांसफर में ये दिक्कत कर जाता है, तो इसलिए मैंने इनको फ्रंट पे यहाँ पे ले आया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमें मिस चलाना था। आप चाह आपकी मशीन अगर फीडर सही सेटिंग है तो आप यहाँ पर चाहो तो ऐसे मिस चला सकते हो चार का, पर मैंने सेफ्टी रीजन को लेते हुए बीच में बैक नेट कर दिया। अब आप समझो इस चीज को, यहाँ पर ये फ्रंट नेट है, बैक बेड हमारा खाली था, उसको मैंने नेट करके यहाँ पे फॉल कर दिया। उससे क्या होगा, ये जो हमारा फ्लोट है ये और बड़ा हो जाएगा। अगर फ्लोट और बड़ा हो जाता है तो इसको हम ज्यादा दूर तक इसको हम खींच के ला सकते हैं, पर मेन रीजन इसको फ्लोट को बड़ा करने का नहीं था। मेन रीजन था कि ये चार फ्लोट में हो सकता है आपका फैब्रिक गिर जाए, तो उसे सेफ्टी पे लाने के लिए मैंने ये दोनों नेट बैक पे चला दी है, जिसको मैंने बाद में गिरा दिया है। तो आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर ये क्यों किया गया है। बार बाकी नेट हमारा नॉर्मल चल रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने उसको गिराया, गिराने के बाद सारी चीजों को हम वापस बैक पे ले गए। अब यहाँ पर मैंने बैक नहीं डाला हुआ है, आप यहाँ भी बैक डाल सकते हो, क्योंकि ये जो केबल का ये नंबर लगा हुआ है 18 नंबर, ये ऑटोमेटिकली सब चीज को बैक पे ले जाता है। पर जो ये फॉल लगाया है हमने, फॉल की वजह से यहाँ पर ये बैक पे नहीं ले जा रहा था, तो इसको हमने एडिशनल यहाँ पर लगा दिया है केवल सेफ्टी के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ नहीं लगाया हुआ है, ये ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई फॉल नहीं डाली हुई थी, ये ऑटोमेटिकली सारा बैक पे चला जाएगा। अभी मैं वो मॉड्यूल लगा के एससीडी में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये सारा चार पिच इधर आ जाएगा, ये चार पिच इधर आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये लूप हमने लूज कर दिया, ये लूप भी हमने लूज कर दिया। अब यहाँ पे ये पलटी करेगा, और ये जो मिस है ये बैक साइड में हमने बनाया है, क्योंकि हमने इनको फ्रंट पे ले आया, ये भी फ्रंट पे आ गया, तो मिस बैक को चला गया। और ये वाला जो केबल का हिस्सा है चार नेडल का, ये पीछे की तरफ जाएगा, तो पीछे की तरह अब हमें फ्लोट दिखेगा, तो उससे हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम फ्रंट पे हमारा ये साफ दिखना चाहिए, तो हम इस पे ध्यान दे रहे हैं कि ये हमारा साफ दिखेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर चढ़ेगा, यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ आने के बाद हम इसको दो बार यहाँ पे नेट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, अगर आप ये दो नेट हटा दोगे, ठीक है, तो हो सकता है आपकी क्लियरिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पर अभी मैं सेफ्टी के लिए दो नेट लगा रहा हूं।
अगर आपको बनानी है तो आप ये दो नेट हटाने के बाद वो भी मैं उपाय अभी बता देता हूँ। अभी फिलहाल हम इस दो नेट के साथ डिजाइन बना रहे हैं। अब क्या किया हमने, यही सेम प्रोसेस, पहले अब इसको हमने यहाँ से यहाँ लाया और इसको यहाँ से यहाँ लाया। अब अगले कोर्स में मैंने इन चारों को वापस लेके यहाँ आया और ये वाले को यहाँ लाया, मतलब जो बैक वाला हमारा यहाँ से चलना शुरू हुआ था, यहाँ से चलना शुरू हुआ था, वो पहले यहाँ गया, उसके बाद अब यहाँ आ गया। क्लियर? वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, क्योंकि इस चीज को मेरे को लास्ट में पहुंचाना था, वो यहाँ पे आ चुका है। ये चार नेट के जगह पे ये चार नेट आ गए। ये चार नेट कौन से थे? ये वाले चार नेट थे। ये चार नेट को मैंने यहाँ पे ले आया और हमारा ये वाला जो फ्रंट का चार नेट था ये आ गया है यहाँ पर, और इस तरफ वाला जो चार नेट था वो यहाँ पे आ गया, मतलब हमारा केवल यहाँ तक चल के आ चुका है इस पोर्शन पे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फ्रंट नेट आ चुका है। अब ऊपर वाले में आ जाते हैं। अब हमें ये जो चार है इन चार को यहाँ पे पहुंचाना है और इन आठ को इस लाइन पे रखनी है यहाँ से यहाँ तक। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले इस चार को लेके आते हैं यहाँ पर। देख रहे होगे अगर आप, तो इतना मॉड्यूल हमारा कॉमन चल रहा है, बहुत ईजी तरीके से मैंने इसको बनाया है। वैसे आप देखोगे यहां से यहां तक का मॉड्यूल सेम ही चल रहा है, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो चार नेट है ये चल के यहाँ आ गया अब। ठीक है, अब इसको मैंने पलट के यहाँ लाया और इसको पलट के यहाँ ले गया, तो अब हमारा बैक पे ये चीज यहाँ पे आ गई। अब इसको फिर से पलट के यहाँ वाला को हमने यहाँ ले आया और इसको पलट के यहाँ ले। ठीक है, तो आप देखोगे ये वाले सारे आठ नेट, यहाँ वाले जो आठ नेट थे वो इधर आ गए और इधर वाले जो आठ नेट थे उसके बैक पे चले गए। पर बैक पे भी जाने के बाद वो अपनी नेट स्टार्ट कर दिया है, तो नेट, क्योंकि नेट बैक पे जाने के बाद भी हम उस पर नेटिंग चालू रख रहे हैं, तो नेटिंग चालू रखने की वजह से वो साइड का चीज बन जाएगा, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ये वाला पोर्शन बैक पे आ रहा है, तो इसके बैक के बाद, बैक में आने के बाद यहाँ पे नेटिंग चल रही है ऑलरेडी, और ये नेटिंग ऊपर से ये हमें साफ दिख रहा है, लेकिन जो इसके जस्ट पीछे है नेटिंग वहां पे हमें फ्लोट्स दिखेंगे, वहां पे हमें खिंच दिखेगी। ठीक है, अब आ जाओ आप इसका फैब्रिक व्यू। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, जिस पोर्शन पे आपने नेटिंग नहीं चलाई है, मतलब धागा नहीं चल रहा है, उस पोर्शन पे 203 नंबर पे आपने कैंसिल वीविंग डालनी है। क्लियर? पहला चीज। दूसरा है, एक नंबर यहाँ पर जो हम मॉड्यूल बनाए हैं इसमें जो नंबरिंग देनी है हमें, पेज नंबर, वो एक कोर्स जैसे यहाँ पे धागा चल रही है इसे हम एक मानेंगे। अब यहाँ पर एक यान चल रहा है इसे हम दो मानेंगे, और जहां पे यान नहीं चल रहा है वो उसके साथ ही कंबाइन करेंगे। मतलब ये जैसे दो नंबर आप देखोगे, दो नंबर में एक बार ही धागा चलना चाहिए। अब तीन नंबर में एक बार धागा चल गया, अगर मैं तीन नंबर यहां भी लिख दूं तो दो बार धागा चल जाएगा। तो अगर दो बार धागा चल जाएगा तो उसको आप एक ग्रुप में नहीं रख सकते। ठीक है, वो मॉड्यूल के डिटेल्स में जब हम आएंगे तो बात करेंगे, पर आप अभी समझ लो रूल यही है कि आपका ये जो नंबरिंग है उस नंबरिंग में एक बार ही आपका नेटिंग का कोर्स चलना चाहिए। बाद बाकी ट्रांसफर आपकी जितनी बार चल जाए उतने बार आपने ये चीज रिपीट कर देनी है, उतने को आपने एक ग्रुप बना देना है। एक्चुअल में हैंकिंग में पेज जिसको बोलते हैं वो ग्रुप का ही साइन है। क्लियर है? अब मैंने ये 120 नंबर और टोटल हमारे पेज बन गए हैं यहाँ पर 16। तो 120 नंबर को मैंने 16 बार चला दिया और ये स्टार्ट वहां से किया जहां पे टक की लाइन थी, क्योंकि मैंने बताया हम टक की लाइन से शुरुआत किए हैं, तो टक की लाइन से इसको रखेंगे। उसके बाद एक से लेके 16 तक हमने यहाँ पे पेज लगा देना है।
17 नंबर लाइन पे हम फीडर लगाएंगे, क्योंकि हम मॉड्यूल में कोई फीडर नहीं लगाए हुए हैं। तो मॉड्यूल में अगर आप फीडर नहीं लगाते हो तो वो फीडर आपका यहां से उठाता है 17 नंबर, क्लियर है। अब हम इसे प्रोसेस करते हैं। फैब्रिक व्यू आपको बहुत क्लियर नहीं दिखाएगा इस पे, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप किया है। तो पहले स्टेप में ये यहाँ गया और दूसरे स्टेप में इसको मैंने यहाँ लाया, तीसरे स्टेप में मैंने इसको क्रॉस किया और चौथे स्टेप में मैंने इसको क्रॉस किया। अगर मैं बीच का यहाँ का और यहाँ का चीज हटा दूं तो ये इमिडिएटली चल जाएगा, पर ये बहुत सेफ तरीके से इसको हम बना सकते हैं इस तरीके से। अगर इसका बैक व्यू देखोगे तो बैक में आपके फ्लोट थोड़े बड़े आएंगे। इन चार जगह पे हम क्रॉसिंग कर रहे हैं चार टाइम पे, पर इसके बीच में मैंने एक्स्ट्रा नेट चलाया हुआ। अगर हम इस एक्स्ट्रा नेट को हटा देते हैं तो ये थोड़ा नजदीक दिखेगा, पर यान धागा आपका सही होना चाहिए और मशीन थोड़ा आपको स्लो चलानी पड़ेगी। और एक्स्ट्रा नेट करने का मतलब ये है कि अगर हम इस मिस को यहाँ से हटा दें, यानी ये दो लाइन हम यहाँ से हटा दें, ये ट्रांसफर होने के बाद, ये लूज गेड़ा चलने के बाद सीधा ये इसको ट्रांसफर करें, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी लूज हो चुका है। अगर ये 4x4 का ये सह लेता है तो हमारा ये केबल और थोड़ा साफ दिखने लगे, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें चेक कर लेते हैं कि ये हमारा फ्रंट नेट हुआ, इसको हमने फॉल किया, उसके बाद इनको फ्रंट पे ले आया, उसके बाद इन सारे को बैक पे ले गए। तो अब यहाँ पर हमें फ्रंट पे लाने की जरूरत नहीं, तो सीधा बैक पे ले जा सकते, तो ये हम चीज यहाँ पे हटा सकते हैं, ये हमने बैक पे ले गया, क्लियर है। तो ये हम टोटल इतने लाइंस हटा देते हैं ऊपर वाले। एक दो तीन, तो क्लियर। अब हम देखो डिजाइन में हो क्या रहा है। ये लूप को हमने बड़ा कर दिया यहां पर, इन दोनों को हम फ्रंट पे लेके आए, उसके बाद बैक पे ले गए, तो हमें इसे फ्रंट पे यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं। हम एससीडी में चेक कर लेते हैं, अगर इसके बिना हमारा काम हो जाता है तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेज हमारा बच जाएगा। इन दोनों को बैक पे ले गए और इसको भी हम बैक पे ले गए, क्योंकि बैक पे जाना, यहाँ पर हम बैक पे नहीं लेके जा रहे हैं, पर एससीडी में ये सारे भी बैक पे चले जाएंगे और उसके बाद पल्टी हमारा आएगा। अब हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, पेज लगानी होगी। एक नंबर सही लगा हुआ है, दो नंबर हमें ये और ये भी दो नंबर जाएगा, उसके बाद यहाँ तीन नंबर आएगा, उसके बाद यहाँ 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 से यहाँ यहाँ तक चार नंबर जाएगा, यहाँ पे पांच नंबर, यहाँ पे छह नंबर, यहाँ पे सात नंबर, पे आठ नंबर, यानी कोर्स हमारे जो नीचे ये डिजाइन बना हुआ है इसमें से हमें आठ लाइन हटा देनी। यहाँ हम ऊपर से हटा देते हैं ताकि हमारे को यहाँ पर फिर से अलग बनाना ना, ऊपर से हमने इसको हटा दिया आठ लाइन तक।
इस पेज को चाहो तो जीरो कर दो, क्योंकि अब 8 में ही हमारा वो पूरा राउंड जाएगा। अब हम SCD खोल के दिखाते हैं आप। अब ये देखो, ये केबल ऑटोमेटिकली इनको बैक पे ट्रांसफर कर दिया, फिर इसी की बात मैं कर रहा था, ये भी इसको ट्रांसफर कर दिया, तो एक्स्ट्रा कोई ट्रांसफर हमारा यहाँ पे नहीं आया। ये वाला जो ट्रांसफर है हमने उसको वापस बैक में भेज दिया, क्योंकि सारे फ्रंट पे आ चुके हैं। देखो पहले ये बैक पे जा रहा है, उसके बाद ये इसको फ्रंट पे ले आ रहा है, चार पीच इधर है, ये भी बैक पे गया, चार पीच इधर। अब यहाँ से यहाँ तक सारे फ्रंट पे आ गए, लेकिन हमारा नेट ये वाला बैक नेट बैक पे चलना चाहिए, इसीलिए मैंने ये एक्स्ट्रा बैक के नेट चलाए हैं। अब इसकी फैब्रिक व्यू देखते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो स्पेस हमारा वहां पे एक्स्ट्रा बच रहा था, वो स्पेस अब यहाँ पे नहीं बचेगा और ये क्रॉसिंग कर जाएगी। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका मैं सॉल्यूशन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।